हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी बंद हुआ है 17,242 पे, लगभग 30 पॉइंट नीचे। फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी है हमने अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और अच्छी खासी रिकवरी भी देखी। ऊपर के लेवल टेस्ट करने की कोशिश की थी मार्केट ने, मगर यहाँ जिस तरह से FII सेलिंग कर रहे हैं और अभी यहाँ जो है तो बुल्स भी बहुत थकते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है तो ये एक मीडियम टर्म टर्न अराउंड हो सकता है और यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो हो सकता है जो प्रीवियस लो थे हमारे वो हम टेस्ट करें या फिर नए लो भी मार्केट बना सकता है। तो यहाँ उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे अभी। तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी कैसे दिखता है। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस वीक का जो क्लोजिंग है अभी या फिर गेंस निफ्टी के वो लगभग 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, 0.5% लॉस के साथ। तो यहाँ लगता है कि जो बाउंस बैक था वो ख़त्म हो चुका है और शायद मार्केट जो है तो यहाँ से फिर से नीचे के लेवल के लिए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में। तो यहाँ फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो वीकली चार्ट पे यहाँ अर्ली साइंस है कि हम जो है तो फिर से न्यू लो बनाने की तरफ जा सकते हैं। और इस बार जो लो बनेगा वो बनेगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो बनेगा 14,700 के अराउंड, जो कि है लॉन्ग टर्म S1। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो। और यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट में रिवर्सल आ सकता है अगर हम जो है तो 17,650 के ऊपर क्लोज करते हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो उसकी संभावना तो अभी कम लग रही है, क्योंकि जिस तरह से सप्लाई आ रहा है मार्केट में मुझे लगता है कि हम जो है तो शायद एक फ्रेश लो लगाने के लिए जा सकता है मार्केट आने वाले महीनों में। तो ये लो आपको आने वाले 1 से 2 महीनों में देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो कल नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, फ्लैट नेगेटिव। आज जो है तो फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग है, मगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ब्लू कैंडल दिखेगी, क्योंकि जहाँ ओपन हुए थे वहाँ से अच्छी खास शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हुई। हमने ऊपर के लेवल टेस्ट करने की कोशिश की, आज जो हाई लगाया था मार्केट ने वो था 17,340 के अराउंड और लो था लगभग 17,111 के अराउंड। तो लगभग हमने 250 पॉइंट की जो है तो नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखी, मगर यहाँ ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में और मार्केट जो है तो नीचे के एवरेजेस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ डेली एज पर डेली चार्ट यहाँ मेरा सेल ऑन प्राइस व्यू रहेगा, हम जो है तो अभी व्यू चेंज कर लेंगे यहाँ, क्योंकि मार्केट जो है तो और यहाँ ऊपर की तरफ ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं रहा, तो इसकी वजह से जो है तो हमारा सेल ऑन प्राइस व्यू रहेगा। ये भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा। अभी मार्केट में विक्स जो है तो वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो वोलेटिलिटी यहाँ एट द पीक है। तो यहाँ दोनों तरफ के आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे, मगर आपको एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो रिट्रेस हो रहा है, तो मार्केट नीचे जो है तो 16,950 16,750 के लेवल जो है तो आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा और ऊपर की तरफ हम 300 के अराउंड जो है तो सेल करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जो हाई था 450 का उसको एज अ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट उसके ऊपर जाएगा, तो आपको जो है तो 300-350 पे मार्केट को बेचना है। नीचे 16,950 16,750 ये आपके पोजिशनल टारगेट बनेंगे एज पर डेली चार्ट। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे जो आप देख सकते हो कि हमने कल ही सेल सिग्नल दिया था, उसको क्रॉस करने की कोशिश की थी मार्केट ने, मगर वो फेल हो गए। हमने रिकवरी देखी मगर उसके बाद में फिर से फ्रेश सेलिंग आने की वजह से मार्केट जो है तो एक फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी बंद हुआ है। तो यहाँ जो है तो आपको सेल ऑन राइज भी रखना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,400 के ऊपर रहेगा और आपको जो है तो 300-350 पे बेचना है निफ्टी। और नीचे जो है तो मुझे लगता है कि 16,950 और 16,750 ये टारगेट जो है तो निफ्टी आने वाले 2 से 3 सेशन में आपको दिखा सकता है। तो यहाँ सेल ऑन राइज भी रहेगा मेरा अभी यहाँ लॉन्ग साइड, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से हमें सेल ऑन राइज व्यू रखना पड़ेगा मार्केट पे। और नीचे 16,950 16,750 के टारगेट हम पकड़ के चलेंगे। आपको सेल करना है 300-350 के रेंज में। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी 17,400 का जो पुट ऑप्शन इन द मनी उस पर हम एक्युमुलेशन करेंगे और हमें जो है तो उसमें अच्छे खासे 2x प्लस गेन जो है तो देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी जो है तो 16,950 या फिर उसके नीचे जाता है तो हमें उसमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो है
तो ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ये ऑलरेडी देख चुके हमने दो तीन बार ट्राई किया था। आप यहाँ देख सकते, यहाँ ट्राई किया उसके बाद में सीलिंग आई, फिर से ट्राई किया फिर सीलिंग गई, फिर से आज छोटा सा ट्राई किया वो भी सेल में बदल चुका है। तो यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि दूध जो है तो थक चुके हैं, और अभी यहाँ जो है तो मार्केट पे बियर्स ग्रिप लेंगे और हमें नीचे के लेवल अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो हम फोकस करेंगे सेल ऑन राइज और 17400 का जो पुट ऑप्शन है उस पर हमारा फोकस रहेगा फॉर बाइंग पर्पज। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए इनपुट रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।